स्पेशली कुंदन जी के साथ एक प्रॉब्लम आए थे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। डॉक्यूमेंट के बारे में बताएं क्या समस्या है आपकी। हाँ, जब हम गए तो 19 का जाति था और 20 का आवास था। जय हिंद दोस्तों, मैं कोच दीपक कुमार, अभी आपके सामने दो सफल अभ्यर्थी आए हुए हैं। मेरा रेशियो है कि 3 आदमी जाता है तो उसमें से 2 आदमी होता है, 1 आदमी फेल हो जाता है। फेल इसलिए नहीं होता कि वो कमज़ोर है, फेल इसलिए हो जाता है कि जो सिस्टम ने बदलाव लाया है उसकी वजह से। और दूसरा, वो वीक स्टूडेंट रह चुका है, लेकिन उसके लिए भी कोई सॉरी की वाली बात नहीं है, नेक्स्ट बार जरूर दरोगा बनेगा। अभी आप जान लीजिए, इनका नाम है रोशन कुमार और इनका नाम है कुंदन कुमार। अभी अपने साथ जो तैयारी के दौरान क्या घटना घटी वो बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स में क्या दिक्कत आ रहा है वहाँ पे वो बताएंगे, क्या कि डॉक्यूमेंट्स को झेल चुके, ये डॉक्यूमेंट्स में इनको कुछ दिक्कत आया था तो किस लिए दूर हुआ, कैसे दूर हुआ ये बताएंगे अभी आप। रोशन जी आप बोलिए। मैं रोशन कुमार, 17 नंबर तालाब पर सोसराय का रहने वाला हूँ। मैं बिहार दरोगा का फिजिकल 25 मार्च को मेरा था जो क्वालीफाई किया हूँ। इस क्वालीफाई में सर के मार्गदर्शन का काफ़ी सहारा मिला है, बिना सर के सपोर्ट के ऐसा हो ही नहीं सकता था हमसे। एक्चुअली हम प्री क्वालीफाई करने के बाद ही आ गए थे, जब हम फर्स्ट बार रनिंग किए थे तो मेरा टाइमिंग था 8:16, फिर अब यहाँ कैंपस में आए तो सर काफ़ी इंप्रूवमेंट करवाए और मेरा टाइमिंग यहाँ आया था 6:16, लेकिन ग्राउंड में जाने के बाद अलग सा ही जुनून था और हम अपना 20 सेकंड टाइमिंग कम किए और वहाँ मेरा रनिंग था 5:59 नंबर था मेरा। जिसको लगता है कि हम डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, मेरे ग्राउंड में जो 5:40 से भी मार रहा लगा वो फेल नहीं हुआ, ठीक है। इसका जीता जाता एग्जांपल आपका ही है ना। यहाँ गोल शॉर्ट पुट में 16 क्रॉस कर पाते थे, 16-17, वहाँ हम 18 क्रॉस कर दिए। हाई जंप फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर था। हाई जंप एक्चुअली हम टाइगर करते थे, लेकिन जो ट्रेंड चेंज किया कि सीजल आया, जिसके कारण हमको भी परेशानी हो रही थी, सर काफ़ी हेल्प किए और हम 3 से 4 दिन में लड़का ये सीजर मार लिया भाई, जोरदार तालियां इसके लिए। ये तभी संभव है जब आपका अगर टाइगर जंप सही था, आप जंप सही ले पाते हैं तो आपको सीजर सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते सही मार्गदर्शन दीजिए और हार्ड वर्क कर लीजिए जो बचा हुआ दिन है। लॉन्ग जंप में क्या दिक्कत हुआ तुमको ये बताओ। लॉन्ग जंप हम थर्ड चांस में क्लियर किया, एक्चुअली फॉल का पहले दो चांस में क्या दिक्कत हुआ, वो फॉल का प्रॉब्लम था, हल्का सा भी चूना उड़ जाता, हम पीछे ही थे लेकिन जो चूना उड़ रहा था ना हल्का सा भी, तो बार बार पीछे भेज रहा था, तो थर्ड चांस में हम न्यूट्रल हो गए, तो बुला भी रहा था, नहीं गए तो 2-3 सेकेंड के मतलब 20-30 सेकेंड के लिए हम माइंड रिलैक्स किए। यानी मेरा टाइमिंग 33-71 मेरा चेस्ट नंबर था जो कि फर्स्ट में था, मेरे बाद 2 लड़के थे, वो बुलाए हमको, हमको कुछ टाइम चाहिए, तो 20-30 सेकेंड हम रिलैक्स हैं, तो मेरे बाद 2 लड़का गया, थर्ड चांस में हम गए और हम कुछ सोच ही नहीं रहे थे वहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, बस भगवान के नाम ले रहे थे, थर्ड चांस में हम हल्का साइड क्लियर करिए तेरा पे चले भाई। बहुत टाइगर जंप सही था, आप जंप सही ले पाते हैं तो आपको सीधा सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते सही मार्गदर्शन लीजिए और हार्ड वर्क कर लीजिए जो बचा हुआ दिन है। लॉन्ग जंप में क्या दिक्कत हुआ तुमको ये बताओ। लॉन्ग जंप हम थर्ड चांस में क्लियर किया, एक्चुअली फॉल का पहले दो चांस में क्या दिक्कत हुआ, वो फॉल का प्रॉब्लम था, हल्का सा भी चूना उड़ जाता, हम पीछे ही थे लेकिन जो चूना उड़ रहा था ना हल्का सा भी, तो बार बार पीछे भेज रहा था, तो थर्ड चांस में हम न्यूट्रल हो गए, तो बुला भी रहा था, नहीं गए तो 2-3 सेकेंड के मतलब 20-30 सेकेंड के लिए हम माइंड रिलैक्स किए। यानी मेरा टाइमिंग 33-71 मेरा चेस्ट नंबर था जो कि फर्स्ट में था, मेरे बाद 2 लड़के थे, वो बुलाए हमको, हमको कुछ टाइम चाहिए, तो 20-30 सेकेंड हम रिलैक्स हैं, तो मेरे बाद 2 लड़का गया, थर्ड चांस में हम गए और हम कुछ सोच ही नहीं रहे थे वहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, बस भगवान के नाम ले रहे थे, थर्ड चांस में हम हल्का साइड क्लियर करिए तेरा पे चले भाई। बहुत इसलिए आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है कि जो व्यक्ति टाइम अच्छा दिया दौड़ में, गोला अच्छा इम्प्रूवमेंट फेंका और हाई जम्प 3 से 4 दिन के अंदर करके आपका एक बार में क्लियर किया, बट इनका जो टेक ऑफ पोजीशन था ये पूरा फ्लैट फुट मार के दौड़ते थे, ऐसे से दौड़ते थे, ऐसे से करके दौड़ना था, इसी कारण से इनको लॉन्ग में प्रॉब्लम हो। बट जैसा कि आप देख रहे हैं सिस्टम आपको सपोर्ट जरूर करता है वहाँ पर, आप उनको बोलेंगे सर हमको थोड़ा सा चक्कर आ रहा है कुछ आ रहा है, आपको 5 मिनट का टाइम दे देते है कि नहीं, है ना। तो बस इनको टाइम मिला और थर्ड चांस में क्वालिफाई करें, क्वालिफाई करना जरूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कौन से चांस में किए, फर्स्ट में किए, सेकंड में किए, थर्ड में किए, ये क्वालिफाई करना जरूरी है, इसलिए रोशन के लिए जोरदार तालियां। सर का काफ़ी सपोर्ट था, बिहार दरोगा का जो प्री और मेन्स था उसके लिए हमको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, जैसे कि होता है कि खेत में जो पौधा होती है तो उसके साथ घास वगैरह आ जाते हैं, बिहार दरोगा मेरे लिए कुछ वैसा ही था, इसके लिए हम कोई अलग से कुछ पढ़ाई वगैरह किए नहीं थे, जो पढ़ रहे थे उसी से सिलेक्शन हो गया। फिजिकल हम प्री के बाद आए थे, सर का काफ़ी सपोर्ट मिला और सर के सपोर्ट के कारण ही हम मतलब दरोगा बन पाएंगे ऐसा उम्मीद है। नहीं, ये दरोगा 100% बनेगा, उसका कारण बताता हूँ, ये दरोगा बन चुका है,
सीडीएस नाम सुना आप लोगों ने? एक एनडीए होता है, एक सीडीएस होता है। सीडीएस ग्रेजुएशन लेवल पे जो आर्मी में ऑफिसर बनता है, उस लड़के ने दो बार इसको मेंस पास किया था, बट लास्ट टाइम में एसएसबी जो इंटरव्यू होता है उसमें छड़ा है। तो क्या दरोगा नहीं बनेगा? कन्फर्म? ओके, थैंक यू। अब इनसे मिले, ये है कुंदन भाई, अपने बारे में बताएंगे। बताइए कुंदन। मेरा नाम कुंदन कुमार, घर कसरा है। हम यहाँ करीबन 8 महीना से रनिंग कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर आए थे, आप बिहार पुलिस के लिए आए थे? बिहार पुलिस के लिए। तो हम बिहार पुलिस में हमको रनिंग नहीं हो पाया था वहाँ पर। कितना दिन पहले आप आए थे बिहार पुलिस तैयारी करने के लिए? मेरे पास कितना दिन समय के दिए थे सर? 5-6 महीना हो गया था, बट क्या था कि लॉकडाउन होने के कारण कुछ परेशानी आए, घर चले गए। नहीं, उसका कारण लॉकडाउन हुआ, घर चले गए और पूरा मेंस पर फोकस किया दरोगा। ज्यादा मेंस पर हमसे पूछे तो बोला दरोगा बना यार, मेंस का बिहार दरोगा और बिहार एसएससी में दोनों मेरे पास था, इसलिए हम सर से पूछ के चले जाते थे वहाँ घर। लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने क्या किया, अपना दोनों अचीवमेंट किया हासिल। बिहार एसआई में बहुत अच्छा नंबर आया इनका, और साथ में आपके सामने ये है जो पूरा फिजिकल पास कर लिए है, और बिहार एसएससी में भी है ना आपका, तो उसमें क्या क्या पद के लिए आपका? उसमें सर अभी दिया है नहीं कोई, उसमें क्वालिफाई है ना? क्वालिफाई है। कल स्पेशली कुंदन जी के साथ एक प्रॉब्लम आया था डॉक्यूमेंट्स को लेकर, डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, क्या समस्या है? जब हम गए तो 19 का जाति था और 20 का आवास था, तो गए तो 2019 हाँ। इन्होंने जाति बना के रखा था, वो 2019 का बना हुआ था, और 2020 का क्या था? आवास। हाँ, 2020 का आवास था। उसके बाद क्या हुआ? गए तो बोले कि एसपी सर वहाँ पे चेक किए तो बोल ये नहीं चलेगा, पेंडिंग में इसको पाड़ दो। तो मैडम थी तो पाड़ दी, कहे कि बस 2 दिन के अंदर हमको, 3 दिन के अंदर चाहिए डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो भल ये पेंडिंग पड़ जाएगा। तो हमको बड़ी घबराहट हुआ कि भाई, तो गए एक दिन में ब्लॉक में गए ऑनलाइन के, और सेकेंड दिन हमको दे दिए। वहाँ गए तो फिर वही प्रक्रिया गए तो बोले अच्छा एक चीज़ है। हाँ। जैसे आपको बोला कि आप बना के लाइए जी सर, तो फिर गेट में आप एंट्री कैसे किए? गेट में एंट्री का क्या हाँ, प्रोसेस था ये बताइए। वो गेट पास होता है, वो गेट पास दिखा लेगा, आपको एंट्री दे दिया जाएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हुआ, आपको गेट पास मिलेगा, उसके अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा करके गेट पास को लेकर के अंदर जाइए, आपको ट्रीटमेंट किया जाएगा वहाँ पे। आगे बताइए। हाँ, गेट पास रहता है, फिर जाइए अंदर, फिर वहाँ पे बैठने कहेंगे, बैठिए, फिर मेरा प्रोसेस चालू हो गया था। फिर गए तो बोले कि नहीं, 116 का लेके गया था जाति, तो उनको कहे कि ठीक है ये, तो हमारा फिर देखे वो कि नहीं तो 19 का ही तो ठीक है। तब फिर मैडम बोल रही थी कि सर इसी के तो बोले थे कि ये 19 वाला है, तो नहीं नहीं ठीक है नया लाया था लगवा दो ऐसे ठीक है। वो परेशान हो जाते कुछ करते करते वो। चलिए होता क्या है ना कि बहुत सारे आदमी आते हैं तो आपको दिक्कत होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 18-19 का कोई दिक्कत नहीं। जब 2016 वाला आदमी क्वालिफाई है तो जिसका जाति निवास जो भी बना हुआ 16-17 तक, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। उसका एग्जांपल आपके सामने है, जो दोबारा नया बना के गए परेशान होकर के 2 दिन, वो उसके काम नहीं है, पुराना वाला से ही काम चल गया। अब बताइए कि आपने जो अचानक जो सीजर में बदलाव है उसमें कैसे कंट्रोल किया आपने? तो बहुत घबराहट का चीज़ था हमारे लिए, हम तो घर से निकल गए थे बैग लेके, रास्ते में सब दोस्तों फोन किया कि भाई ऐसा बात है, हम सबसे पहले अपना बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर। ये देखिए सबसे मजेदार बात, आप हनुमान जंप कितना मारते थे? कितना फिट? 4 फीट तो हो ही जाता था सर। इनका हनुमान जंप तो था 4 फीट 6 इंच क्लियर था। ये एक ऐसा आदमी है जो घर से निकला एग्जाम देने के लिए, जैसे आज का कल एग्जाम है, आज निकले सवेरे, अचानक इनको मैसेज आता है कि भाई वहाँ पे हनुमान जंप बंद हो गया है, सीजर हो गया है। इन्होंने क्या किया, भूखल प्यासल यहीं से 3 बार प्रैक्टिस किए, फिर शाम को यहाँ से गए, और लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारा और आज आपके सामने सीजर मार के आए हैं। जी सर। अगर आपका जंप बढ़िया है तो ये मान्य रहे कि सीजर मार रहे हैं, बेली मार रहे हैं कि हनुमान जंप। पहला दम फंसे थे। हाँ, पहली दम फंस गए थे, घबराहट हुआ? हाँ, बहुत डर लगा। घबराहट को कैसे काबू किया ये बताओ। हाँ, फिर अपना गए, ये चेस्ट नंबर रहता सर, जिन जो जो पास होल चल जाते हैं ना उनको हटे ले चल जाते हैं, जो वहाँ पर जो नंबर दूसरा चांस मिलता है। हाँ। उसके बाद वो चेस्ट नंबर से पुकारते हैं, तो बहुत हिम्मत दे भी सकता है जो सुमरना पड़ता है।
देवी देवता का नाम जरूर लीजिए। फिर सेकंड चार्ज मारे, वो भी हिल रहा था, हम उसी को ऐसे कह लेते एक दिन में इन्होंने सीजर सीख करके मार दिया। हम एक घंटा यहाँ पर किए थे सर, करवाए थे यहाँ सब, वो बोल के गए थे पिंटू भैया जो है उनसे बोल के गए थे करवा देना। देखिए हर हालत में इन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया और सीजर एक घंटे में सीजर देख करके मार के आ गए। सिर्फ ये था, उसका कारण दो कारण था, इनका जंप बढ़िया था प्लस इनका बॉडी हल्का था और दर्द उतना नहीं था जितना लोगों को होता है। हाँ, इसलिए क्या कहना चाहोगे जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? जी, हिम्मत नहीं हारिए दम। वो जो बोल रहे हैं ना कि 4 फीट से ऊपर है चाहिए, कुछ नहीं, 4 फीट रहता है तो रहता है। हाँ, चाहिएगा तो कम ही हो सकता है, ज़्यादा हो ही सकता है वो। और दो अथी बना हुआ है हाई जंप के लिए, अगर पश्चिम पड़ जाता है आपका तो मान एकदम बढ़िया है, लक्की है दम, वहाँ से सरफेस चिकना है। हाँ, लेवल बढ़िया है वो हाई जंप, वहाँ से बढ़िया अथवा इधर है जो उड़ा खबर थोड़ा सा है सर, एक साइड जो गद्दा है वो थोड़ा सा उसका सरफेस परेशानी है, पूरब दिशा की ओर जो रखा हुआ है उसका सरफेस बराबर नहीं है, तो वहाँ पे पूरा हिम्मत के साथ जम लेना। अब आपको हिम्मत देने के लिए समय मिलेगा, जिसे आप रनिंग कर लीजिएगा, तो रनिंग करने के बाद आप गोला तरह जाते कम से कम 1.5 घंटा लगता है सर। बताइए फिर कैसे बोलेंगे? 1.5 घंटा लगता है सर। इसे क्या होता है, जिसे हम लोग को दौड़ गए आराम से बैठाता है सर वहाँ पे, फिर सबसे पहले तो प्रोसेस कागज आएगा वहाँ से आता है कि कौन फेल है कौन पास है, वो बताते हैं, फिर 10-10 को रो बनाते हैं, 5 रो बना देंगे, 1 रो पे ये कराना है अच्छे गोला, तो गोला तो गोला पहले नहीं फेंका जाता, पहले वहाँ ऑफिसर बैठा है चेक करने के लिए आपका फेस कि गलत है सही है। अच्छा, यानी कि बायोमेट्रिक से आपका चेक कर लिया जाता है। हाँ, हर जगह बायोमेट्रिक लगता है। कितना कम समय लगता है सर? तो बीच में 2-5 मिनट वहाँ पर कम से कम अंदर जाने पर। मेन है कि सर वहाँ समय लगता है बैठने में, 1 से 1.5 घंटा तब वहाँ जाइएगा। देख सुन लिए ना आप लोग, बहुत समय मिलता है, पूरा समय मिलेगा, अंदर कुछ मिलेगा, आपको पानी वहाँ पर अवेलेबल है। ग्लूकोज वगैरह देता है कि नहीं? नहीं, ग्लूकोज कुछ नहीं, वो तो नहीं देता। अनार का जूस देगा दी, अनार का जूस। पानी है, पानी है हर एक, जहाँ गोला फेंक रहे हैं तो वहाँ पर पानी है, लॉन्ग जंप करे तो बगल में पानी है, सब तरह का व्यवस्था है। आपको सिर्फ पानी मिलेगा, दावा है, डॉक्टर साहब वहाँ पे हैं। दावा की जरूरत नहीं है, बहुत आप बहुत नहीं, जो खाली पैर दौड़ते हैं ना दिक्कत, खाली पैर देखिए हमने आपको इसलिए कभी खाली पैर का प्रैक्टिस नहीं कराया, आप जब भी रनिंग करेंगे जूता पहने करेंगे, खाली पैर नहीं, आप में इतनी स्टेमिना है, आपने इतना सीखा है कि आप कोई खाली पैर। अच्छा बताइए मेरे को एक सिंपल सवाल है, कौन सा ऐसा इंडिया का धावक है जो खाली पैर में ओलंपिक जीत गया? कोई नहीं है। कोई नहीं है। एशिया से? कोई नहीं। यूरोप में खाली पैर? कोई नहीं। तो फिर आपके दिमाग में कैसा है कि खाली पैर बनकर हम पीटी उषा को हरा देंगे? कहाँ से हुआ जी? अरे दम होता है पैरों में, जूतों में दम नहीं होता है। कहाँ दम होता है? ठीक है। हाँ जी, और बताइए। वही इवेंट है सर, फिर इसे जब जाएंगे हम गोला पर, तो गोला पर जाएंगे तो वहाँ पर भी कम से कम 15-20 मिनट मिलता है सर, वहाँ पर भी वेरिफिकेशन होता है ना, सब चीज़ का वेरिफिकेशन। आपका हर इवेंट के पास जाके वेरिफिकेशन है? जी सर। चलिए, अभी जैसा कि आप लोगों ने देख लिया और ऊपर वाले की मेहरबानी है, मेरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था चेस्ट वाला सर। चेस्ट वाला? हाँ। जिम में कुछ काम आया आपके? जी, जिम में काम आया, प्लस वहाँ क्या क्या सर, हमको चेस्ट में बहुत डर लग रहा था। हाँ, वो भी मारना स्टार्ट, सब लोग कर हम भी कर रहे थे, तो चेस्ट में नहीं छाट रहा था किसी को, हाइट में एक घुनी माफ नहीं है, चेस्ट फूलना चाहिए, जिससे चेस्ट है, चेस्ट आपका, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, हाइट में कोई मर्जी नहीं, एक घुनी नहीं है, एक घुनी नहीं है, समझा लो, एक घुनी मर्जी नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, बच्चे का कैंडिडेट अपने आप को बोल्ड बनाइए और होली मनाइए, होली मना के बचे हुए दिन है उसको कड़ी मेहनत कर लीजिए। तीर के मनाया है, तीर के मनाया ना, अच्छा दिन। चल ठीक है, और फिर इसके लिए एक दो जोरदार तालियां कुंदन के लिए। देखिए जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे कैंडिडेट्स तो आते रहते हैं, बहुत सारे लोग ड्यूटी वाले थे, ड्यूटी वाले का मतलब ये था कि वो नौकरी कर रहे थे और मेरे पास आ रहे थे, जो नौकरी करने वाले थे वहीं से वहीं निकल गए, कॉल करके उन्होंने बताया था कि सर हमारा रिजल्ट हो गया है। और आज किसी का है? संतोष का है, संतोष का है।
आज भी हमारे दो आदमी, देखिए भाई हमारे पास नंबर्स ऑफ कैंडिडेट कम है, तो इसलिए हम बता देते कि मेरा तीन में से दो हुआ क्या, एक में से एक हुआ, ये एक भी नहीं हुआ। वो आप सब देख रहे हैं झूठ मूठ बोल करके कि हमारे पास इतना है इतना हुआ, ऐसा नहीं। आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा हम बता देंगे कि मेरे पास इतना था इतना क्वालिफाई हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दिया जाने वाला ट्रेनिंग आपके थोड़ा भी काम आता है, लगता है कि इससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भाई बंधु मेरे भाई बहन छोटे हैं जो अभी सेना और पुलिस में जाना चाहते हैं, चाहे CPO हो बिहार पुलिस हो, अपने बड़े भाई पे भरोसा करके आप आ सकते हैं। ये मुद्दा हमेशा उन लोगों के लिए है जो हिम्मत हार चुके हैं या एक बार में करना चाहते हैं। दो चीज़ें, या तो हिम्मत हार चुके हैं या एक बार में करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी हमारे कैंडिडेट्स तो आते रहते हैं, बहुत सारे लोग ड्यूटी वाले थे, ड्यूटी वाले का मतलब ये था कि वो नौकरी कर रहे थे और मेरे पास आ रहे थे, जो नौकरी करने वाले थे वहीं से वहीं निकल गए, कॉल करके उन्होंने बताया था कि सर हमारा रिजल्ट हो गया है। और आज किसी का है, संतोष का है। आज भी हमारे दो आदमी, देखिए भाई हमारे पास नंबर्स ऑफ कैंडिडेट कम है, तो इसलिए हम बता देते कि मेरा तीन में से दो हुआ क्या, एक में से एक हुआ, ये एक भी नहीं हुआ। वो आप सब देख रहे हैं झूठ मूठ बोल करके कि हमारे पास इतना है इतना हुआ, ऐसा नहीं। आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा हम बता देंगे कि मेरे पास इतना था इतना क्वालिफाई हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दिया जाने वाला ट्रेनिंग आपके थोड़ा भी काम आता है, लगता है कि इससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भाई बंधु मेरे भाई बहन छोटे हैं जो अभी सेना और पुलिस में जाना चाहते हैं, चाहे CPO हो बिहार पुलिस हो, अपने बड़े भाई पे भरोसा करके आप आ सकते हैं। ये मुद्दा हमेशा उन लोगों के लिए है जो हिम्मत हार चुके हैं या एक बार में करना चाहते हैं। दो चीज़ें, या तो हिम्मत हार चुके हैं या एक बार में करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद।